हमें गुरुचरण सिंह के रिजल्ट के वजह से यहाँ आना पड़ा। मेरे रिजल्ट की वजह से? हाँ, गुरुचरण सिंह का रिजल्ट ऐसा है जो आज तक स्कूल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। अरे बाप रे। गुरुचरण क्लास में पहले 5 में तो क्या, पहले 25 में भी कभी नहीं आया। यहाँ तक कि प्रीलिम एग्जाम में भी उसकी 58% आई। और प्रिंसिपल साहब, वैसे हमको पता नहीं चल पा रहा है कि गोगी पुत्र का क्या रिजल्ट आया। आप और सस्पेंस मत रखिए, प्लीज बताइए कि रिजल्ट क्या है गोगी पुत्र का। आपके बेटे गुरुचरण ने एग्जाम में सेंचुरी लगाई है, सेंचुरी। उसने स्कूल में टॉप किया है, टॉप। कांग्रेट बेटा। मम्मी क्या बात है गोगी, अब तो गाऊंगा। कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। परसेंटेज कितने, ये इंपॉर्टेंट है। गुरुचरण को 58% के उल्टे 85% मिले हैं। लेकिन बेटे आप हमें ये बताओ कि ये चमत्कार हुआ कैसे? बेटे सर आया, आजा फिर आया यारा। ये चमत्कार हुआ है वाहेगुरु की कृपा, खुदाई जी की कृपा और मेरे भीड़े सर की वजह से। क्या बात है, वाह वाह बेटे, मास्टर वाह। सच कहूं तो पहले तो मैं एग्जाम के दिन एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में आ गया था। मैंने अपने आप को अपने रूम में बंद कर दिया था। मैंने सबको बोल दिया था कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। मैं डर गया था, लेकिन मेरे भिड़े सर ने मुझे समझाया कि डरने से कुछ नहीं होता, सक्सेस मिलती है कॉन्फिडेंस से और परिस्थिति का सामना करने से। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो पूरे स्कूल में क्या, पूरे स्टेट में फर्स्ट आ सकते हो। शाबाश। वाह मिस्टर भिड़े, यू आर ग्रेट। आत्मविश्वास और मेहनत से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। मार्कशीट प्लीज, ये लो बेटा तुम्हारी मार्कशीट। देखो देखो, ओ क्या बात है पुत्री, पापा दिखाओ दिखाओ। ओ ये तो कमाल हो गया यार, क्योंकि पुत्र तू तो सच में छप्पर पार के नंबर ले आया यार। दिख रहा, वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। गोगी बेटा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को तुझ पे गर्व है। क्या बात है गोगी, यू डिड इट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू एवरीवन। मैंने किया हुआ मेरा दूसरा वादा भी मुझे याद है। मैं तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटोग्राफ के साथ तुम्हारे इस अचीवमेंट के बारे में जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे वाह गोगी, तुझे 85% आ गए, मतलब तुझे एमके गांधी कॉलेज में साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। तू हमारे साथ हो गया गोगी। थ्री चेस फॉर गोगी। पिप पिप हुरे हुरे। अच्छा जी अब हम चलते हैं। थैंक यू सर। अरे प्रिंसिपल साहब, टीचर मैम, आप लोग रुक जाइए ना प्लीज। गोगी पुत्र ने टॉप किया तो हम लोग जम के सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो आप भी उसमें हमारे साथ जुड़िए ना। नहीं नहीं छोड़िए, देखिए आपके बेटे ने तो टॉप कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्हें अपेक्षा से बहुत कम मार्क्स आए। ऐसे विद्यार्थी अक्सर रिजल्ट की वजह से हताश और निराश हो जाते हैं। हमें उनके पास जाकर उनका हौसला बढ़ाना पड़ता है और सही एडवाइस देनी पड़ती है। नहीं नहीं बराबर। आत्माराम जी आप भी हमारे साथ चलिए ना, अगर आपके जैसे अच्छे शिक्षक हमारे साथ होंगे
तो हम बच्चों को अच्छी तरह से मार्गदर्शन दे सकेंगे। ए, बिल्कुल क्यों नहीं सर, बिल्कुल मैं आऊँ। चाचा जी आप भी चलिए ना हमारे साथ। तूने तो हमारा नाम और रोशन कर दिया। ओ यार थैंक यू, मजा आ गया। सोनी खानदान का नाम पूरे वर्ल्ड में छा गया। अरे तुम सब लोग रुक क्यों गए, सेलिब्रेशन चालू रखो। हाँ बिल्कुल, अभी तो जम के पंगड़े पाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और साथ में पटाखे भी जलाएंगे। आहो चलो जेवल है बसिया। आहो क्या सोच रहे हैं आप, अब तो गोगी भी स्कूल में फर्स्ट आ गया, अभी क्या टेंशन है। नहीं माधवी मैं गोगी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तो किसके बारे में सोच रहे? मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैं और चंपक चाचा अभी गए थे ना प्रिंसिपल जी के साथ उन बच्चों को मिलने के लिए। माधवी मैंने एक बात नोटिस की, आज के जमाने में कॉम्पिटिशन की वजह से बच्चों पर अच्छा रिजल्ट लाने का प्रेशर इतना बढ़ गया है ना कि अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आए तो वो बच्चे मायूस हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। ओहो वो समीर का भी वैसा ही हाल हुआ। कौन समीर? वो नहीं अपने विशाल बिल्डिंग में सुनीता शर्मा रहती है, उनका बेटा समीर, वो भी तो 10वीं में था, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। सुनीता जी बता रहे थे कि वो बहुत मायूस हो गया है और किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ओहो नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे समझाना पड़ेगा। तुम्हारे पास उनका नंबर है ना? हाँ है। हेलो जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी। हाँ बोलिए आत्माराम जी। मुझे पता चला कि समीर का 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, उसे कम मार्क्स मिले हैं। हाँ समीर के मार्क्स थोड़े कम आए हैं, बहुत अपसेट हो गया, बात भी नहीं कर रहा, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खा रहा। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। समीर। हाँ मम्मी। बेटा बीड़े सर का फोन है। बीड़े सर? तुमसे बात करना चाहते हैं। हाँ बीड़े सर। बेटा मुझे तुम्हारे रिजल्ट के बारे में पता चला। मैंने तो पूरी मेहनत की थी फिर भी ऐसा हो गया, अब पता नहीं क्या होगा। समीर बेटा ऐसे मायूस नहीं होते, अरे जीवन की कोई आखिरी परीक्षा नहीं थी, जीवन में तो हर कदम पे एक परीक्षा होती है। इस परीक्षा में ना सही लेकिन अगली परीक्षा में अच्छे नंबर्स मिल ही जाएंगे तुम्हें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीड़े सर, ये SSC की परीक्षा थी, इसमें मुझे कम मार्क्स मिले, अब पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा। समीर बेटा तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे ही हाथों में है, अब विराट कोहली को देख लो, अगर वो किसी मैच पे 0 पे आउट हो जाता है तो क्या वो मायूस होकर घर पे बैठ जाता है? नहीं ना, बल्कि वो उसी मैच के बाद मेहनत करता है और इतनी मेहनत करता है कि दूसरे मैच पे सेंचुरी बनाता ही बनाता है। समीर हम अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकते हैं। गोगी को देख लो, गोगी को प्रीलिम में कितने परसेंटेज आए? 58, मतलब सेकंड क्लास। अरे उसने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था परीक्षा के वक्त, जा ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में उसने मेहनत की और इतनी मेहनत की कि आज वो स्कूल में टॉप कर गया। और अगर गोगी कर सकता तो तुम भी तो कर सकते हो। हाँ हाँ बीड़े सर मैं भी ऐसे ही मेहनत करूंगा। That's the spirit, समीर, that's the spirit. ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहो। अभी मायूसी को अपने चेहरे से हटा दो और एक अच्छी सी मुस्कान लाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ बल्कि उसे सीख लो, क्योंकि अनुभवी इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। हाँ हाँ बीड़े सर मैं समझ गया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। थैंक यू बीड़े सर। वेरी गुड, समझ गया। समझेगा ही ना, कितने अच्छे से समझाया आपने। गोगी का एग्जांपल देके समझाया ना, तुरंत समझ गया। लेकिन माधवी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को गोगी का एग्जांपल देके प्रेरणा दूंगा। वो करत गोगी ने तो सही मायनों में धमाका कर दिया, जिसका सबसे ज्यादा टेंशन था वही दूर हो गया। अब तो MK गांधी कॉलेज में गोगी का एडमिशन कन्फर्म। बिल्कुल मिल जाएगा, मतलब फाइनली गोगी भी अभी कॉलेज में चला गया, पूरी टपू से ना अभी कॉलेज में चली गई। चलो अच्छा है, चलो बस आ जाओ। आहो आप ट्यूशन में बहुत मिस करेंगे ना टप्पू सेना को। मिस तो करूंगा ना माधवी, वक्त कितने जल्दी बीत जाता है। नहीं जिस टप्पू सेना को मैंने पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक पढ़ाया वो टप्पू सेना अब कॉलेज में चली गई, बच्चे बड़े हो गए यार। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे पढ़ाते वक्त उनका होने वाला हल्ला गुल्ला, उनकी शरारतें, उनकी बदमाशियां, ए घोड़ा क्या चल रहा है, टापो सरल बस। आओ, आप तो एकदम भावुक हो गए। अरे मास्टर जी कल से दूसरे बच्चे आएंगे, उनकी नई मस्ती, उनकी नई शरारतें, उनकी नई बदमाशियां, इनसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है आपको। आहत कुठे करे करे माधवी।
इसलिए मुस्कुराइए और गणपति पापा का शुक्रिया अदा कीजिए। गणपति पापा मोरिया। गणपति पापा, आपके आशीर्वाद से गोगी पूरे स्कूल में फर्स्ट आया है। मैं जानता हूं कि जो भी किया है आपने किया, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। आपसे यही प्रार्थना है गणपति पापा के, जिन विद्यार्थियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आए उनकी मायूसी आप दूर करें और उनको सही राह दिखाएं और उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसा आशीर्वाद दें। बोला गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दया आई। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। बस क्या बस? अब आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हैं। बदल गए हो मतलब? कुछ नहीं आप जाइए जाइए। नहीं एक मिनट, क्या कैसे क्या बदल गए हो? जब हमारी नई नई शादी हुई थी, आप दुकान जाने से पहले मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे एकदम रोमांचिक अंदाज से पूछते थे, दया ए दया मैं दुकान जाऊं? और जब तक मैं हाँ नहीं कहती थी ना, तब तक आप दुकान नहीं जाते थे। लेकिन अब तो, अरे दया तभी हम दोनों अकेले थे, बापूजी गांव में थे, टप्पू भी नहीं था। अभी के बापूजी कभी भी आ सकते हैं, टप्पू कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में मैं तेरे साथ रोमांच करता हुआ पकड़ा जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए। ठीक है समझ गई मैं, अब आप मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते। अरे क्या बोल रही है दया, पहले भी कौन करता था? हैं क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ मेरी भोली, अभी तो मैं तुझे पहले से भी 10 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। रे आदो खाली खोखा जी बात तो छे। अरे ऐसी बात नहीं है दया। अच्छा चल दया, आप वो नहीं ये हाथ पकड़ते थे। अच्छा आपका तो वही हाथ था। अरे तो ऐसे कैसे कैन करता था? सॉरी मेरा भी यही हाथ था और आपका भी यही हाथ था। सॉरी दया। टप्पू कहाँ है? टप्पू नीचे खेलने गया है और बापूजी बाहर गए हैं। अरे तो पहले बोलने। ए दया दुकान जाऊं? जाने देना। अरे बहुत काम है दया। आज आप घर पर ही रहिए, हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, गाना गाएंगे, गरबा करेंगे, मजा आएगा। मैं आई हूँ अभी आई, जाने दीजिए ना। अरे कुकर की सीटी बज रही है। हाँ तो बजने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब? मतलब मुझे दुकान जाना है, तू मुझे जाने नहीं दे रही है, तो मैं क्यों तुझे किचन में जाने दूं? अच्छा ठीक है मत जाने दीजिए, आपको ही जला हुआ खाना खाना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अम्दावदी बुद्धि साड़ी। हाँ बोलिए बोलिए विपुल भाई। अरे नहीं नहीं आज आपका माल पहुंच जाएगा। अरे आप बेफिक्र रहिए, आज कैसे भी करके हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आज ही आज ओके चलो आज ही आज। मुझे दुकान जाना पड़ेगा, बहुत काम है। हाँ तो जाइए ना, मैंने कहा रोका है आपको। अरे पर तू ऐसे मुंह बिगड़ के तो जाइए ना, मैंने कहा ऐसे बोले कि तो कैसे जा सकता हूँ मैं। जाइए जाइए, मैं एक समझदार पत्नी हूँ। थैंक यू दया। क्या जब भी तू मुझे ऐसा मना करती है ना, तो मेरा भी मन करता है कि मैं दुकान ना जाऊं, यहीं घर में तेरे साथ ही रहूं, तेरे साथ समय बिताऊं। लेकिन अगर मैं दुकान नहीं जाऊंगा ना, तो क्या दुकान में ठीक से कोई काम नहीं करता, तो बावरी दुकान में आ जाती है, फिर काम एक बाजू पे रह जाता है और बाघा और बावरी का प्रेमला प्रेमली बड़ा शुरू हो जाता है।
अब टप्पू के पापा एक बात बोलूं, दो प्यार करने वालों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। तो क्या करूं, दुकान बंद कर दूं? नहीं ऐसे नहीं, पर दया तू घर चला, दुकान कैसे चला नहीं वो मुझ पे छोड़ दे। हाँ चलो मैं चलता हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गोकुल धाम में गोगी का टेंशन गया और खुशियों की बरसात हो गई। लेकिन यहाँ कोई भी टेंशन कभी परमानेंटली नहीं जाता साहब। ये गोकुल धाम में टेंशन की भी कोई कमी नहीं है और ठाकों की तो कोई कमी है ही नहीं। अब देखिए ना, जेठलाल को नया टेंशन है कि बाबरी की वजह से बाघा का काम में दिल नहीं लगता। प्यार में ऐसा ही होता है सर, प्यार में आदमी पागल हो जाता है। और बाघा और बाबरी तो वैसे भी अनोखे इंसान है, इनका पागलपन भी ज्यादा है, इनका प्यार भी ज्यादा है। तो अब देखना यह है कि इनके प्यार का पागलपन क्या रंग लाता है। जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में ये ऐलान कर दिया जाता है, ये आदेश पारित कर दिया जाता है कि भाई यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, इस पे पाबंदी। ठीक उसी तरह जेठालाल ने अपनी दुकान में फरमान जारी कर दिया है कि मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखना यह है कि मोबाइल पे लगी पाबंदी क्या नया रूप लेके आती है। क्या इस वजह से बाघा और बाबरी के मिलन में कोई बाधा उत्पन्न होगी, या मोबाइल के बंद होने की वजह से जेठालाल की जिंदगी में कुछ नया तनाव होगा, कोई नई मुसीबत होगी। भाई ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।